इसी बीच बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले अपने दर्शकों को, जहां एमपी में आम आदमी पार्टी ने 29 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो दूसरी लिस्ट में आपने अभिनेत्री चाहत पांडे को दमोह से उम्मीदवार बनाया है, बिजावर से अमित भटनागर को उम्मीदवार बनाया है। और देखिए कुछ और नजरों पर हम नजर डालें नामों पर, तो देखिए छतरपुर से भागीरथ पटेल को टिकट मिला है, सिवनी मालवा से आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं सुनील गौर, उन्हें पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इधर भोपाल उत्तर से मोहम्मद सऊद, जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, पूर्व पार्षद भी हैं, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। और इधर नरेला विधानसभा सीट से रईसा मलिक, उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में अभी हाल में ही ममता मीणा शामिल हुई हैं, और ऐसे में ममता मीणा को चाचौड़ा से टिकट मिला है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी भी यहां पर काफी ज्यादा एक्टिव सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, और कितना ये गेम चेंज कर सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को, क्योंकि अगर पिछले बार के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, और ऐसे में इस बार अब पूरे जी जान के साथ आम आदमी पार्टी उतरती हुई नजर आई है। ऐसे में क्या होने वाला है इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। हालांकि देखिए सियासी तौर पर हम इस खबर को समझने की कोशिश करें अस्मिता, तो पिछले निकाय चुनाव की हम बात करें मध्य प्रदेश में जो हाल ही में 1.5 साल पहले हुए थे, तब सिंगरौली का महापौर आम आदमी पार्टी का ही चुना गया, और ऐसे में कहा जाने लगा कि अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। अब क्या विधानसभा चुनाव में भी कुछ उम्मीदवार, कुछ विधायक चुनकर आम आदमी पार्टी के टिकट से आएंगे सामने, ये बड़ी बात होगी। हालांकि मुख्य मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी की नजरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर है। हाल ही में कुछ वक्त पहले पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है, इसलिए पार्टी के नेता, तमाम संगठन इस बात को लेकर काफी आश्वासित हैं। चलिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर अस्मिता हम समझने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दोनों ही जगहों पर जो अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसको लेकर कितना खास इंपैक्ट पार्टी को देखने को मिलेगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की मैं इसलिए बात करूंगा, उसके बाद हम मध्य प्रदेश में लौटेंगे। जुल्फिकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारी सहयोगी जुड़ रही है। जुल्फिकार, पहले मैं छत्तीसगढ़ की इसलिए बात करूंगा क्योंकि मुझे याद है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे थे, और ये गारंटी शब्द बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर जिक्र भी किया कि गारंटी शब्द आजकल बहुत चल रहा है। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ आते हैं, 10 गारंटी देकर जाते हैं, और ये भी कहते हैं कि फर्जी गारंटी के चक्कर में मत पड़ना, सही गारंटी हम दे रहे हैं और हम ही उसे पूरा करेंगे, 10 वायदे पूरा करके गए हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के बीच ये तीसरा राजनीतिक दल अपना वजूद कितना उभर पाएगा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? दीपक, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसका बहुत बड़ा स्कोप है। उसकी वजह दो तीन है, और वो दो तीन वजह ये है दीपक कि छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का फॉर्मेशन पिछले चुनाव में हुआ था, बसपा के साथ उनका गठबंधन था, और GGP है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उनके बीच में एक सामंजस्य बना था। तो उस दौरान 7 सीटें बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जीती थी, जिसमें से 5 जे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की थी और 2 बसपा ने जीती थी। अब इस समय अगर देखें तो इस चुनाव में क्योंकि अब अजीत जोगी रहे नहीं हैं, और अजीत जोगी का जो प्रभाव हुआ करता था, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ी, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने 5 सीटें जीतकर एक ये कहा जाए कि रीजनल पार्टी के तौर में एक बड़ा इतिहास छत्तीसगढ़ में रचा। लेकिन उनके ना होने की वजह से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो जे है और उनके जो प्रमुख हैं अमित जोगी, उन्होंने कई कोशिश की कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो जाए, BJP में वो चले जाएं, फिर उसके बाद तेलंगाना में KCR की पार्टी में से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जमीन में थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो वोट है उसको आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उनके पास जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि छत्तीसगढ़ में 2 पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अगर इन दोनों को जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, दोनों की जो वर्किंग से पसंद नहीं है, वो आम आदमी पार्टी में वोट कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है, तो उन जगहों पर आम आदमी पार्टी ने टिकटें दी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के सर्वे उनको लग रहा है कि कुछ वोट ऑफ परसेंटेज उनको मिल सकता है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरे 90 विधानसभा जीतने के लिए लड़ रही है,
वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दिलाने की। यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं अपनी जमीनी पैर यहाँ पर पसारते हुए दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है। अमृतांशी आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, अगर आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थिति को देखें हाल की और 2018 से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या कुछ। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार अपने हम कह सकते हैं पैर पसारने में जुटी हुई है। और देखिए तीसरे दल के रूप में जो है यहाँ पर खासतौर पर आम आदमी पार्टी उस नजर से एक्टिव नजर आ रही है। देखिए आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो जनता के लिए तीसरा ऑप्शन तो है ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी की देखिए अगर हम बात करें तो पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, और कई बार अब तक जो है हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के दौरे भी मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। और जो 10 गारंटी की बात की जा रही है, जो कि दीपक ने कहा, वो 10 गारंटी मध्य प्रदेश में भी दी गई है, चाहे हम अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करें, अच्छे स्कूल्स की बात करें। देखिए खासतौर पर ये जो 29 नाम जारी हुए हैं, इसके पहले 10 नाम और जारी हुए थे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी ऐसी जगहों पर टिकट दे रही है जहां पर पहले से जो है वो थोड़ी एक्टिव है। जैसे भोपाल की अगर हम बात करें दो सीटों पर, नरेला में खासतौर पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो है आम आदमी पार्टी अपना हम कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। इस दौरान वहां पर भी जो है लगातार लोगों के बीच में पहुंची थी और अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनको भी यहाँ पर जगह दी जा रही है। लेकिन देखिए एक सबसे खास बात इसमें यह है कि आम आदमी पार्टी तीसरे दल के रूप में लोगों के लिए तो बन ही रही है, लेकिन ऐसे नेता जिनको जो है बीजेपी या कांग्रेस में उतनी महत्वता नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी आम आदमी पार्टी तीसरे दल के रूप में सामने आ रही है। जैसे कि ममता मीणा, ममता मीणा ने बीजेपी छोड़ा, बीजेपी से उनको चाचौड़ा से टिकट नहीं मिला, उन्होंने जो है उसकी बात अपने नेताओं के सामने रखी, जब टिकट नहीं बदला गया तो उन्होंने सीधा बीजेपी छोड़ी, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और अब उनको टिकट दे दिया गया। इसी तरह से जो है कई और भी नाम है, मोहम्मद सऊद की अगर हम बात करें वो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए लेकिन अब जो है उनको यहाँ पर टिकट दे दिया गया है। अभिनेत्री चाहत पांडे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे जो कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए हैं और शायद लोगों के बीच में जो है वो एक अच्छा खासा दबदबा भी रहते हैं कुछ प्रपोर्शन ऑफ लोगों के बीच में, इन पर आम आदमी पार्टी इस बार जो है वो खास तौर पर दांव लगाने जा रही है। देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी अपनी किस्मत आजमाई थी और कुछ विधायक उनके पास आए भी थे। तो हम ये नहीं पूरी तरीके से कह सकते कि आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी संख्या में जो है टिकट जीतकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आएगी, लेकिन इनके नेता जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, उनका जनाधार जो है वो अपनी पार्टी में काफी ज्यादा था और अगर वो जनाधार यहाँ पर भी बना रहा तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों ही प्रमुख दल हैं उनके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक पर इस पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। चलिए रीजनल पार्टी के तौर पे मुझे याद आया अमृतांशी केजरीवाल का आपने जिक्र किया, तो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी दावा तो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतारने की बात कही और पार्षद तो जीते भी है निकाय चुनाव में। फिलहाल देखना होगा कि आखिर इन सभी नेताओं के खासतौर पर तीसरी बड़ी रीजनल पार्टी के तौर पे मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो पहचान कौन बनाने में कामयाब हो पाता है। जुल्फिकार बहुत शुक्रिया आपका छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इस खबर को समझाने के लिए।